जंक फूड और फास्ट फूड, ये दोनों ही नाम आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जंक फूड और फास्ट फूड के डिफरेंस के बारे में, और साथ ही साथ अगर आप कभी किसी ऐसे फेयर में फंस जाते हैं कि आपको जंक फूड या फास्ट फूड में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो आप किसको सिलेक्ट करें, कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। जंक फूड और फास्ट फूड के अंतर को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फास्ट फूड क्या होता है और जंक फूड क्या होता है। फास्ट फूड वो खाने के आइटम होते हैं जिसको हम किसी रेस्टोरेंट में जाके, ढाबे पे जाके, या जो रोड साइड मार्केट होता है, रोड साइड जो ठेले लगे होते हैं वहां पे जाके हम उन चीजों को ऑर्डर करते हैं और 5, 10, 15 मिनट में वो चीजें बन के हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो बात हो गई फास्ट फूड की। अब बात करते हैं जंक फूड की। तो जंक फूड वो फूड होते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, यानी कि आपने जस्ट पैकेट खोला और तुरंत उसको खा लिया, तो वो चीजें आती हैं जंक फूड की कैटेगरी में। जैसे कि आपके नमकीन है, बिस्किट है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपके जंक फूड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये तो आपको पता चल गया कि जो चीजें हम बनवा के खाते हैं, जिसको पकने में 2, 4, 10 मिनट का टाइम लगता है, वो चीजें हो गई हमारा फास्ट फूड, और जो जस्ट हमने पैकेट खोला और खा ली ये हो गया हमारा जंक फूड। अब अगर बात करें कि इन दोनों में कौन सा बेटर है, अगर कभी ऐसा हो कि आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना ही है, आपके पास तीसरा ऑप्शन ना हो, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ऐसे केस में फास्ट फूड को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फास्ट फूड जो होते हैं मोस्टली मैदा से बने होते हैं, साथ में उसमें ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि एक तो फ्रेशली कुक्ड है, यानी कि वो अभी अभी बनाए गए हैं, दूसरा जो इस तरह के आइटम होते हैं, चाहे आपका चाउमीन है, पास्ता है, मैगी है, पिज्जा है, बर्गर है, इन सब में कहीं ना कहीं सब्जियों का इस्तेमाल भी जरूर किया जाता है। सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, चीज का इस्तेमाल किया जाता है, बटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी वजह से इनमें थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जिसकी वजह से अगर कभी ऐसा हो कि आप जंक फूड और फास्ट फूड के बीच में फंस गए हैं, आपको खाना जरूरी है, तो आप फास्ट फूड ले सकते हैं। लेकिन ये आपको रेगुलर नहीं लेना है, कभी कभार, यानी कि बहुत ज्यादा कभी जरूरत है या बहुत ज्यादा कभी आपको ऐसे क्रैविंग हो रही है तो आप ले सकते हैं। जंक फूड जो होते हैं ये पैक्ड होते हैं, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग जीरो होती है। हालांकि इनके जो पैकेट्स होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी होती है, लेकिन क्योंकि इनको पैक करके रखा जाता है लंबे टाइम तक, ये सही रहे, सेफ रहे, एडेबल रहे, इसके लिए इसमें बहुत तरह के केमिकल्स लगाए जाते हैं, उसकी पैकेजिंग के टाइम पे बहुत तरह की गैसेस इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे जो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगभग बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर दोनों के बीच में कभी आप फंस जाते हैं तो आप फास्ट फूड को कम मात्रा में सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास भी पहुंच सके। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।